दिल्ली के मालवीय नगर में पिज्जा डिलीवरी बॉय के संपर्क में आने से 72 घरों को क्वारंटाइन किया गया है। पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इन सभी घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इलाके के डीएम से बात की हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने। दिल्ली के अंदर कोरोना का एक ऐसा मरीज आ रहा है जो डिलीवरी के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचा है। दरअसल ये लड़का जो है डिलीवरी बॉय है और ये पिज्जा कई घरों के अंदर से डिलीवर किया था, जिसकी वजह से 72 लोगों को संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं और इनको क्वारंटाइन किया गया। इस बारे में हम बात करेंगे साउथ दिल्ली के डीएम से ब्रिज मोहन मिश्रा जी से। मिश्रा जी, जिस तरीके से ये लड़के में कोरोना का पॉजिटिव दिखाई दिया है, क्या कुछ इसकी पूरी जानकारी है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूँगा कि 72 लोग जो मिले हैं वो संक्रमित नहीं है, अभी हम ये नहीं कहेंगे। 72 लोगों से इन्होंने इनके घरों में डिलीवरी किया है। सो जो 72 लोग हैं वो भी लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको हमने होम क्वारंटाइन किया है। और जो 16-17 लोग, ये लोग आपस में एक साथ जो वहाँ पे आउटलेट पे काम कर रहे थे, उन सबको हमने, चूँकि वो हाई रिस्क हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हमारा 53 भवन छतरपुर में है वहाँ लेके आए हैं। और जो बॉय है उसको हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं। 13 तारीख को इसका लेट इवनिंग में रिजल्ट आया था पॉजिटिव का, और बिफोर नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ये सारे काम इमीडिएट कर लिए थे। और अभी और इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी हैं, वो और भी कार्रवाई, जैसे कि पता लग रहा है कि अगर ये इसने कहीं मिल्क शॉप पे गया था, वहाँ से भी अगर कुछ मिल्क खरीदा है, उसको भी बंद कराया है, उसके भी कांटेक्ट जारी, ट्रेसिंग जारी है, होम क्वारंटाइन के ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो काफ़ी इसमें सघनता से हम जाँच कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि 72 लोगों को आपने क्वारंटाइन किया गया, ये 72 लोग वो तो वो हैं जिनके आपके पास डाटा आ गया है, जिनको इसने डिलीवरी करी है पिज्जा की, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होंगे, क्या वो उसके बारे में जानकारी मिल पाई, जिनके पास ये बाद में मिला ऑफिस के बाद, काम खत्म करने के बाद, क्या उनके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी मिल पाई है इसके जरिए? ये हमने खुद बात की है, जो लड़का है डिलीवरी बॉय है उससे मैंने खुद बात की है, और हमारे ऑफिसर्स भी उससे लगातार टच में है। वो हेल्दी है, हॉस्पिटल में अभी बहुत सी माइनर केसेस में ही आएगा, मतलब सीवियर केस में नहीं है, तो वो कम्युनिकेट कर पा रहा है हम लोगों से। तो उसमें बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं दे रहा है वो, क्योंकि लॉकडाउन था, डिलीवरी करने के बाद वो फिर अपने घर जाके कमरे में सो जाता था। उसने हॉस्पिटल्स विजिट किए हैं, डिस्पेंसरी ओपीडीज विजिट किए हैं हॉस्पिटल्स की, और टेस्टिंग सेंटर विजिट किया है। टेस्टिंग सेंटर में तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग और पीपी का वो होता है, हॉस्पिटल्स की ओपीडी में ऐसा कितना प्रिकॉशंस लिया गया है वो, चूँकि हॉस्पिटल्स बड़े हैं तो उनको कम्युनिकेट कर दिए हैं हम लोग। हॉस्पिटल्स का अपना प्रोटोकॉल है, वो उसके तहत इन्वेस्टिगेट करके जो भी ज़रूरत है वो क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट हम मंगा रहे हैं कि आपने क्या क्या इस पर एक्शन लिया। तो बहुत ज़्यादा फील्ड विजिट का तो नहीं है इसका, क्योंकि काम डे एंड नाइट का था, और अब 72 घरों में गया है, डिलीवरी किया है, तो उनको तो हमने क्वारंटाइन पे डाल ही दिया है। बाकी जहाँ भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे हमें पता लगा है, सबको हमने क्वारंटाइन दे दिया है। सर, एक जिस तरीके से हमें जानकारी मिली है कि ये इसने जो डिलीवरी करी है वो सबसे ज़्यादा हौदानी जो इलाका है वहाँ पर करी है, क्योंकि वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि मरकज से बहुत सारे लोग आए थे, तो क्या ये संभावना जताई जा सकती है कि वहाँ पर जो इन लोगों को उसने डिलीवरी करी तो शायद वहाँ से इसको कोरोना का जो संक्रमण है वो उसको लगा है, या कहीं और से कुछ ऐसी, अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी मिल पाई हो? इसने मालवीय नगर से 5 किलोमीटर के एरिया में, जिसमें हौजरानी भी है, हर जगह डिलीवरी किया है। तो अभी ये उचित तो नहीं होगा मुझे कहना कि ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया है, डिजीज और कहाँ पे है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और वो अभी हम कंक्रीट रूप में कुछ अभी उस कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हैं। बट जहाँ जहाँ डिलीवरी इसने की है और जहाँ जहाँ गया, उन सबको हमने होम क्वारंटाइन कर दिया। सर, आखिरी सवाल कि 72 जो लोगों की जो आपने क्वारंटाइन किया, क्या उनकी भी टेस्टिंग हो रही है और उनकी रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? उनकी क्लिनिकल स्क्रीनिंग जारी है, जितने लोगों की टेस्टिंग करनी थी उनकी टेस्टिंग भी कर लिया है, रिपोर्ट अवेटेड है, और ज़रूरत पड़ेगी तो और टेस्टिंग भी सारे की करेंगे, और जो भी एक्शन बनता है एज पर प्रोटोकॉल वो हम कर रहे हैं। सॉरी, एक माफ़ी चाहूँगा कि एक सवाल और जो मेरे को जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसी के साथ साथ, कि क्या आप लोग कुछ ऐसा भी करने जा रहे हैं, जैसे एक डिलीवरी कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा भी कुछ करना जा रहे हैं कि जिससे कि जो डिलीवरी के जरिए लोगों तक ना कोरोना पहुंचे, उसमें कुछ ऐसा आप लोग साफ सफाई का कुछ ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिससे कि ऐसा केस अब दोबारा दिल्ली में कम से कम ना आ पाए? ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए भी, और ऐसा नहीं था कि हमको पहले अवगत नहीं था, हम लोग बार बार यही अपील कर रहे हैं सारे दुकानदारों से, सारे आउटलेट से भी,
कि जो फिट हो डिलीवरी बॉय एंड गर्ल्स उन्हीं को आप भेजें जो मेडिकली फिट हो, जिनको सिम्टम्स ना हो, फीवर ना हो, कफ ना हो, तो उनको आप ना भेजें डिलीवरीज के लिए। अब हम और इस पे कठोरतापूर्वक इसको अमल में लाएंगे और हर एक हमने मार्केट में अपने मार्केट की जो इंस्पेक्टर्स की जो हमने टीम बनाई हुई है उनसे भी उनको भी डायरेक्शन ये दिया है कि हर एक डॉक्टर्स की एक उसमें वो करके पैरामेडिक्स को लेके हर एक आउटलेट के जो डिलीवरी बॉयज हैं डिलीवरी गर्ल्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कर लीजिए एंड उनको अवेयर भी करिए उनके ओनर्स को कि आप इस तरह के जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको ना डिलीवरी के लिए भेजें, उनको रेस्ट दे दें और उनकी सैलरी दें। ये तो ब्रजमोहन जी जो डीएम है साउथ दिल्ली के, इनका कहना था कि आप घर पे बैठ के वीजा मंगाएं चाहे जो मर्जी मंगाएं लेकिन सावधानी से मंगाएं जिससे कि कम से कम कोरोना का वायरस आपके उस सामान के साथ घर तक ना पहुंचे। कैमरामैन ललित के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज दिल्ली।